ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम दुनिया भर के डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ लेते हैं, ट्रीज, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, और इंटरव्यूज में किसके क्वेश्चंस आ जाते हैं? एरेज एंड स्ट्रिंग्स के। जिसको एरेज एंड स्ट्रिंग्स नहीं आता उसने क्या ही प्रोग्रामिंग करी। हाय, माइसेल्फ पारिक हियर। सो यार, आज के सेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। दोज आर एरेज एंड स्ट्रिंग्स। सो मैं आज उसके बारे में पूरा पाथ बताने वाला हूँ कि तुम्हें एरेज एंड स्ट्रिंग्स के कैसे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करने चाहिए, किस ऑर्डर में करने चाहिए, सच दैट ये टॉपिक तुम्हारा स्ट्रांग हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एरेज एंड स्ट्रिंग्स में मैं तीन पार्ट कवर कर रहा हूँ। फर्स्ट इज सिंगल डायमेंशनल एरे, है ना, अनदर इज मल्टी डायमेंशनल एरे, सो 2D एरेज टाइप के जो होते हैं, और एक स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो हमारे पास तीन चीजें हैं ये। तो सबसे पहले तीनों के हम बेसिक्स करेंगे, बेसिक्स ऑफ एरेज, बेसिक्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरेज, बेसिक्स ऑफ स्ट्रिंग्स। क्या क्या होता है बेसिक्स? अगर मैं बेसिक्स ऑफ एरेज की बात करूं तो सबसे पहले एरेज कैसे स्टोर होते हैं, कैसे इनिशियलाइज होता है, पीछे क्या हो रहा होता है, हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। और बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस ऑफ एरेज कर लेने चाहिए कि एरे को रिवर्स कैसे करेंगे, एरे के सम ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन। तो कितना टाइम लग रहा है ये सब पे दिमाग नहीं लगाएंगे, बिल्कुल बस कोड लिखना सीख लेंगे कि अच्छा एरे नाम की चीज होती है और उस पर ऐसे इटरेट करते हैं। सिमिलरली उसके बाद हम 2D एरेज के बेसिक्स करेंगे, मतलब 2D एरेज कैसे स्टोर होता है ना। अब वो लैंग्वेज पे बड़ा डिपेंडेंट है, C++ में कुछ डिफरेंट तरीके से हो रहा है, जावा में किसी और तरीके से हो रहा है, पाइथन में किसी और तरीके से हो रहा है। तो उसके बारे में हम अच्छे से क्लैरिटी ले लेंगे जिस भी लैंग्वेज में हम पढ़ रहे हैं, एंड कैसे स्टोर हो रहा है, बेसिक ऑपरेशंस की, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन 2D एरेज, मुझे किसी पर्टिकुलर रो का सम निकालना है, या क्या होता है उसमें प्रिंट के क्वेश्चन होते हैं कि 2D एरे को मेरे को वेव फॉर्म में प्रिंट करना है कि पहले टॉप टू डाउन फिर डाउन टू अप, ऐसे ऐसे टाइप के। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जिसमें टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाला दिमाग ना लगाएं हम बेसिक बेसिक चीजें करनी हमें आ जाए। एंड सिमिलरली फिर हम बेसिक्स ऑफ स्ट्रिंग्स करेंगे कि स्ट्रिंग्स कैसे स्टोर होता है ना, और अगेन उसमें लैंग्वेज पैरामीटर है, C++, जावा और पाइथन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो रहा होता है। तो पहले बेसिक समझेंगे, फिर स्ट्रिंग में पैलिंड्रोम चेक करना है, बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन जिसमें टाइम का फर्क नहीं पड़ता। तो पैलिंड्रोम कैसे चेक करना है, रिवर्स करना है स्ट्रिंग को, या स्ट्रिंग में वॉवल्स प्रिंट करने हैं, इस टाइप के जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है वो हम कर लेंगे। तो हमारा तीनों पे सबसे पहले बेसिक पे फोकस करेंगे। अब उसके बाद हम एक चीज सीखेंगे, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। अब हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सीखेंगे, कैसे सीखेंगे? सबसे पहले हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ेंगे, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट। एक एल्गोरिथम है, पढ़ेंगे अच्छा इसके पीछे क्या हो रहा होता है, उसको कोड करेंगे। जब उसको कोड कर लिया उसके पीछे समझेंगे कि बबल सॉर्ट एन स्क्वायर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर एन स्क्वायर है तो कैसे है, इंसर्शन सॉर्ट की अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर है तो कैसे है, है ना, सिलेक्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर एन स्क्वायर है तो कैसे है, अच्छे से समझ लेंगे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को, है ना। ऐसे तुम थोड़े बहुत जो भी तुमने पहले क्वेश्चन करे होंगे बेसिक्स ऑफ एरेज में, उसमें तुम्हारे हिसाब से कितना टाइम लग रहा था उतना थोड़ा सीखना, है ना। ऐसी 2D एरे में कुछ क्वेश्चन करे होंगे उसमें कितना टाइम लगा, स्ट्रिंग में कुछ क्वेश्चन करे होंगे, पैलिंड्रोम वाले में कितना टाइम लगा। सो बेसिक टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जितने भी अभी क्वेश्चन करे थे और जो हमने सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स करी है उनसे हम अपनी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सीख लेंगे। अब आएगा तुम्हारा मजेदार वाला पार्ट। अब एक्चुअली हम थोड़ा सा टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाइज एरेज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले ना हम कुछ स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स वाले क्वेश्चंस करेंगे। एल्गोरिथम्स वाले मतलब कोई एक स्टैंडर्ड वे है उनको सॉल्व करने का, वो एल्गोरिथम्स हमें सीखने होते हैं और उसके पीछे क्यों उन एल्गोरिथम्स को यूज करके कम टाइम लगा वो हम सीखेंगे, है ना। तो वो एरेज में जनरली ज्यादा लग रहे होते हैं शुरू में। तो अगर तुम बात करोगे तो 2-pointer अप्रोच, है ना, एक स्टार्ट और एंड में रखना वाली अप्रोच, उसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, पेयर सम हो गया, ट्रिपलेट सम हो गया, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। फिर सिमिलरली हम करेंगे डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम वाले क्वेश्चंस, सॉर्ट 0-1 की कह रहे में केवल 0-1 है उसको सॉर्ट करना है, है ना। तो कुछ अगेन उसमें कोई एक एल्गोरिथम लगती है, डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम। सिमिलरली एक सॉर्ट 0-1-2 होता है उसमें भी लगती है ना, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर हम स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम सीखेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर एक कैटनेज एल्गोरिथम होती है, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हमें एल्गोरिथम पता है, हम उसको करेंगे सॉल्व और हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करेंगे कि हमने इस एल्गोरिथम से अगर सॉल्व करा क्वेश्चन तो कितना टाइम और कितना स्पेस लगा। ठीक है, दीज आर द फ्यू एल्गोरिथम्स। एक और एल्गोरिथम है बाइनरी सर्च, उसको भी अच्छे से करेंगे, लाइक सर्चिंग इन एन एरे और कुछ बाइनरी सर्च की एप्लीकेशंस करेंगे कि वो लॉग इन में चलता है तो क्यों चलता है, क्या फायदा होता है उससे। तो एरेज पर ही ये हमने एल्गोरिथम वाइज की ऐसे सॉल्व करते हैं, अब उनको यूज करके हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लिए। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो के कुछ स्ट्रिंग्स में भी क्वेश्चन होते हैं बट उसको बाद में करेंगे, अभी केवल एरेज पे फोकस करेंगे। तो हमने एल्गोरिथम वाइज वाले क्वेश्चंस
कम से कम 8-10 क्वेश्चंस कर लिए, जैसे डस्ट नेशनल फ्लैग के 2-3 कर लिए है ना, स्लाइडिंग विंडो के 2-3 कर लिए, तो हमें लगाना आ गया। अब एक्चुअल आएंगे कुछ एप्लीकेशंस ऑन एरेज की, जो एक्चुअली तुम्हें सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे सॉल्व करें, उन प्रॉब्लम्स को करेंगे हम। तो मैंने ना एक डॉग भी बना रखा है, आई विल शेयर दैट विद यू, उसमें सब कुछ मेंशन है जो भी मैंने अभी तक बोला है, और मैं कुछ एप्लीकेशंस जो बोल रहा हूँ तुम्हें कहाँ से प्रैक्टिस करनी है वो सब देख सकते हो उस डॉग में। सो उस डॉग का लिंक तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन रेफर टू दैट। सो एप्लीकेशंस ऑन एरेज में ना जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ओवरलैपिंग इंटरवल्स, मिनिमम प्लेटफॉर्म्स कितने लगेंगे, एक क्वेश्चन होता है। सो बेसिकली उसमें कुछ सॉर्टिंग करके कि पहले सॉर्ट कर दो फिर उसको सॉल्व कर लो, है ना। सिमिलरली क्वेश्चन होता है इक्विलिब्रियम इंडेक्स ऑफ एन एरे, तो कुछ एरेज के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है अब उनको प्रैक्टिस करेंगे। क्यों? क्योंकि अब मुझे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे से आ गया, अब मैं उन क्वेश्चंस को अच्छे से अब मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं, ठीक है। तो ऐसी एक और होता है सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे, उसके बहुत सारे वेज हैं बट उसके हम बेस्ट वे पे जाने की कोशिश करेंगे। सो नाउ यूजिंग टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम ब्रूट फोर्स से बेस्ट अप्रोच पे जाना शुरू कर देंगे। ऐसे हम 15-20 क्वेश्चंस एरेज के करेंगे, मैंने लिंक दिया हुआ है वहां जाके प्रैक्टिस करना, और 15-20 क्वेश्चंस एरेज पे करेंगे, और अब हमारा माइंड चलने लगेगा कि बेस्ट अप्रोच पे कैसे मूव करते हैं, ठीक है। तो एरेज के हमने 15-20 क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए। अब उसी के बाद आएंगे एप्लीकेशंस ऑन 2D एरेज, है ना। एप्लीकेशंस ऑन 2D एरेज में क्या होता है, जैसे एक सर्च इन रो वाइज एंड कॉलम वाइज सॉर्टेड मैट्रिक्स है, उसमें कुछ बाइनरी सर्च के थ्रू हो रहा होता है, एक रोटेट करना है मैट्रिक्स को 90 डिग्री को, तो ट्रांसपोज करके कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। सो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाइज बेस्ट क्या बन सकता है सॉल्यूशन, वो हम लगाना शुरू करते हैं अब 2D एरेज पे, है ना। एक मैट्रिक्स में मीडियन निकालना है, कुछ बाइनरी सर्च की एप्लीकेशन होती है, ऐसे मतलब अब 2D एरेज में 10-15 अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, लिंक में गिवन है, वहां जाके प्रैक्टिस करो, और अब 2D एरेज के टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाइज वाले क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू करो। तो हमारे एरेज की एप्लीकेशंस भी हो गई, हमारी 2D एरेज की एप्लीकेशंस भी हो गई, पहले हम एल्गोरिथम सीख चुके थे, तो अब हमारे को मजा आ रहा है कि हम बेस्ट वे से, मतलब ब्रूट फोर्स से बेस्ट वे पे पहुंच पा रहे हैं, है ना। सिमिलरली अब आ जाएंगे हम स्ट्रिंग्स पर। तो स्ट्रिंग्स में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन होता है लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स, है ना, उसमें स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम जो तुमने एरेज में सीखी है, स्लाइडिंग विंडो वो अब इस वाले क्वेश्चन में यूज होगी। तो स्लाइडिंग विंडो तुम एरे पे नहीं लगा रहे हो, अब स्ट्रिंग्स पे भी लगा रहे हो, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है ना। फिर एक एनाग्राम के बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आते हैं स्ट्रिंग्स में, तो एनाग्राम डिफरेंस उसमें कुछ हैश मैप का यूज करके हम कर रहे होते हैं, या हैश मैप या फ्रीक्वेंसी एरे लेके कुछ भी लेके कर सकते हो, बट तुम्हारे को समझ में आ जाता है कि इसको बेस्ट वे से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सो हम स्ट्रिंग्स में अब ऐसा नहीं कर रहे ब्रूट फोर्स वे से कर रहे हैं, हम बेस्ट वे से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चंस को, है ना। ऐसी क्वेश्चन होता है शॉर्टेस्ट सबस्ट्रिंग विद ऑल कैरेक्टर्स, उसके अंदर अगेन टू पॉइंटर अप्रोच होती है, जो तुमने एरे में सीखी है वो तुम स्ट्रिंग्स में अप्लाई कर रहे हो बस, है ना। तो एक और होता है मिनिमम ऑपरेशंस टू मेक स्ट्रिंग्स इक्वल, तो दो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं, क्या कुछ चेंजेस कर सकते हैं कि दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हो जाए, तो कुछ अगेन कुछ हैश मैप्स का यूज करके हो जाता है। ऐसे हम अगेन अब 15-20 क्वेश्चन स्ट्रिंग्स पे करेंगे, है ना। सो ओवरऑल हमने एरे पे कुछ 15-20 क्वेश्चंस, 2D एरेज पे 10-15 क्वेश्चन, स्ट्रिंग्स पे 15-20 क्वेश्चन, तो ओवरऑल हमने 50-60 क्वेश्चंस अच्छे से एरेज एंड स्ट्रिंग्स पे कर लिया, एंड ये तुम्हारा बेस बनाएगा। और जो मैंने क्वेश्चंस डाले हैं वो बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं फॉर गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनीज इन्हीं टॉपिक्स पे जनरली फोकस करती हैं। तो मैंने एक पूरा पार्ट बता दिया तुम्हें कि सबसे पहले बेसिक्स पे फोकस करेंगे, फिर सॉर्टिंग एल्गोरिथम सीखेंगे, फिर स्टैंडर्ड एल्गोरिथम सीखेंगे लाइक बाइनरी सर्च, कैडेनेज एल्गोरिथम, डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम, टू पॉइंटर्स अप्रोच, एरेज पे लगाना शुरू करेंगे, फिर हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में अच्छे हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम एप्लीकेशंस पर आ जाएंगे, एरेज पे 15-20 क्वेश्चंस बनाएंगे, 2D एरेज पे 15-20 क्वेश्चंस बनाएंगे, और स्ट्रिंग्स पे 15-20 क्वेश्चंस बनाएंगे, एंड ओवरऑल हमारा ये पूरा कवर हो जाएगा। एंड आई टेक अ गारंटी, तुम बहुत ही सॉलिड हो जाओगे एरेज एंड स्ट्रिंग्स में, एंड तुम्हारे पास वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एरेज एंड स्ट्रिंग्स का क्वेश्चन आया तो मैं फोड़ दूंगा, ठीक है। सो गुड लक फॉर दिस, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके प्रैक्टिस करो और मचाओ, ठीक है। चलो, थैंक यू।